हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में सभी महिलाओं व 15 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क यात्रा सुविधा के आदेश दे दिए हैं। फतेहाबाद के एसडीएम सुरजीत नैन ने कहा कि ये आदेश 14 अगस्त दोपहर 12 बजे से 15 अगस्त रात्रि 12 बजे तक मान्य होंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों के इंतजाम के भी रोडवेज विभाग को आदेश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा कब से होनी है स्टार्ट और क्या आदेश मिले सरकार की ओर से? सरकार हमेशा पिछले काफ़ी सालों से रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों को मुफ्त माफ किराया समझो वो सुविधा देती आ रही है। उसी तरह इस साल भी शायद कुछ टाइम तो जरूर बढ़ाया गया है, 14 तारीख सुबह 12 बजे से 15/8/2019 मिड नाइट 12 बजे तक ये सुविधा दी गई है। हमने सरकार के आदेश अनुसार रोडवेज के कर्मचारियों को नोट करवा दिया है। ये फतेहाबाद के भी 14 तारीख से और 15 तारीख तक जो भी महिलाएं अपने बच्चे माताएं बहनें रक्षाबंधन पर जा रही हैं उनको किसी भी प्रकार की टिकट ना ली जाए। पर्याप्त बसों के लिए कोई अलग से? बसों की हमारे डिपो में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ आवर टाइम है वो कम किए गए थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पेशल बस भी चलवा दी जाएगी जहाँ भी हमारे को रस नज़र आया। इस बार कोई बदलाव वगैरह कुछ अलग से है कोई? बदलाव तो कुछ बस टाइम का ही बदलाव है मेरे हिसाब से, पीछे थोड़ा कम होता था टाइम, इस बार थोड़ा बढ़ा के टाइम करे हैं, सुविधा दी गई है। तो पर्याप्त प्रबंध है विभाग की? आप पूरी तरीके से किसी तरीके की हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है।